हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर एन केमिस्ट्री की दुकान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2014 दिसंबर में एक क्वेश्चन आया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो इसमें दिया होता था द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेंट दिए हुए थे और इसका जो है हमें रिएक्शन मैकेनिज्म कह सकते हैं बताना था। तो हम देखेंगे कि जो है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या था। तो क्वेश्चन की तो क्वेश्चन में यहाँ दिया होता है LDA NTHF दिया होता। तो LDA को हम बोलते हैं लिथियम डाइसोप्रोपाइलेमाइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। या निगेटिव चार्ज कैरियर करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को स्ट्रैक करेगा और लिथियम एलोनेट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ का प्रोटॉन क्या है, वो मोस्ट एसिडिक है, तो क्या करेगा, स्ट्रैक करेगा और वो पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और लिथियम के साथ क्या करेगा, इनोलेट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा एंड ET है और उसके बाद वो हो जाएगा Li, लिथियम एलोनेट का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद जो है सेकंड देखते हैं क्या दिया हुआ। तो सेकंड दिया हुआ था आयोडीन दिया हुआ था, CH2 है एंड CH2 है और उसके बाद Cl है। अब यह क्या करेगा, यहाँ पर आएगा यहाँ से और उसके बाद जो है यह अटैक करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन से एराइज होते हैं कि कहाँ पे कोई अटैक करेगा, यानी इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पे। तो हम देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लिविंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होती है। तो लिविंग टेंडेंसी जो होती है वो आयोडीन की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये अटैक यहाँ पे करेगा और आयोडीन जो होगा वो लीव कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो आ जाएगा और उसके बाद जो एक ग्रुप है वन टू थ्री कार्बन है। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन है, तो हम इस टाइप से क्लोरीन लिख सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों दिया हुआ था, ये हमें प्रोडक्ट ए मिल गया। उसके बाद जो बी प्रोडक्ट दिया होता उसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन दिया होता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया होता, तो कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट के टाइप का। तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यह यमी जो होगा न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा। अब यहाँ पे वो ET है तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाटक करके या क्या करेगा, जो मिथाइल ग्रुप होगा या कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट जो होता है वो डायरेक्ट अटैक यहाँ पे करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 2 3। ठीक है, हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड है, उसके बाद वो ET है और उसके बाद वो है और उसके बाद ME क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ME हो जाएगा और यहाँ पे EMG और BR जो हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा MG BR। उसके बाद जो है सर उस दिया हुआ कंडीशन दिया हुआ है NH3O+ दिया हुआ था, जो क्या करेगा H+ प्रोटॉन देगा। ठीक है, अब यह प्रोटॉन क्या होगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे जो होगा वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, लोन पे। और उसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं ME होगा और यहाँ पे O एंड H हो जाएगा, EMG एंड BR हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे OET है। ठीक, अब उसके बाद जो एक ग्रुप है वो तो रहेगा ही, क्लोरीन है। उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, रहते हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ से H3O+ क्या किया, H+ दे दिया, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बचा। अब यह वाटर क्या है, थोड़ा सा देखते हैं कि इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ पे आया और यह अटैक किया यहाँ पे और फिर यह क्या हुआ, एलिमिनेट कर गया। ठीक है, तो एलिमिनेट कर गया, वो साइड प्रोडक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ME और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड OET। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स बचा है वो क्या करेगा, वो ET को ले लेगा और बना लेगा क्या, इसका साइड प्रोडक्ट हो जाएगा ETOH और यहाँ पे जो ग्रुप है वो क्लोरीन वाला वो तो रहेगा ही। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है वो देख रहे हैं, क्लोरीन हो जाएगा। अब ये निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यह ग्रुप जो हो जाएगा ET वो से क्या हो जाएगा, कीटोन में चेंज होगा, यहाँ हो गया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डबल बॉन्ड वो है, डबल बॉन्ड वो होगा और यह जो ग्रुप है 1 2 3, ठीक है, और 4 क्लोरीन। ठीक है, तो इस टाइप से हमें जो है दोस्तों, यानी हमारा जो प्रोडक्ट है इस टाइप से हमें मिल जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या कहता है। तो हम दोस्तों कह सकते हैं इस टाइप से जो है इसका जो सी ऑप्शन, यानी कह सकते हैं यह हमें बी प्रोडक्ट मिल जाता है और इसका जो सी ऑप्शन था वो दोस्तों राइट ऑप्शन था। ठीक है, तो अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू।